हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तनुजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल तनुजा ब्लॉग्स एंड रेसिपी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले। छोले हर किसी का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है और हफ्ते में हम एक दिन इसे बना ही लेते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोले की एक मज़ेदार रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में इसका कोई जवाब नहीं है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बाउल छोले लिया हुआ था जो मैंने रात भर सोख करके रखा हुआ था। मॉर्निंग में मैंने इसे बॉईल कर दिया है। 7 to 8 विसल के लिए मैंने इसको सीटी दी थी इस पर और इसे बॉईल कर लिया है। इसका पानी मैंने अलग कर दिया है। छोले मेरे यहाँ पर अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से एकदम नरम हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, एकदम गल गए हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज है ली हुई है जो मैंने बारीक कट करके रखी हुई है। 10 से 12 कलियाँ मेरे पर लहसुन की हैं जो मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। 2 हरी मिर्च है और 1/2 इंच अदरक का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने लिया हुए हैं खड़े मसाले। खड़े मसालों में लिया हुआ है 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च साबुत और 3 से 4 मेरे पास काली मिर्च हैं, 2 लौंग ली हुई हैं और 1 बड़ी इलायची है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं जिनका मैं पेस्ट बनाऊँगी। लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर का मैं पेस्ट बनाऊँगी और अदरक को मैं ग्रेट करके यूज़ करूँगी। अदरक को मैं इसमें नहीं पीसूँगी, तो मैं इसमें सिर्फ टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाऊँगी। ऑयल का यूज़ करेंगे हम, 3 to 4 स्पून यूज़ करेंगे। मसालों में मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 स्पून लिया हुआ है मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लिया हुआ है गरम मसाला, 2 चम्मच लिया हुआ है मैंने यहाँ पर छोले मसाला। मैंने यहाँ पर अनारदाना का पाउडर भी यूज़ किया हुआ है 1/2 चम्मच। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको पिंडी छोले बनाने हैं तो आप अनारदाने का पाउडर का ज़रूर यूज़ करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो मैंने यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन लिया था उनका मैंने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। मैं यहाँ पर प्याज को पीस करके यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि प्याज को पीसने से थोड़ा सा मिठास आती है। इसलिए अगर आप प्याज को चॉप करके डालेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने यहाँ पर कढ़ाई पे 3 चम्मच ऑयल डाला हुआ है। ऑयल के गर्म होते ही जो मेरे पास खड़े मसाले थे वो मैं सब यहाँ पर डाल दूँगी। तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च और लौंग और बड़ी इलायची। इसे कुछ सेकेंड्स के लिए हमें भूनना है। इस पे से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी जैसे आप इसको भूनेंगे। जैसे ही अच्छे से भुन जाएगा कुछ सेकंड्स के लिए, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया अपनी बारीक कटी हुई प्याज। इसे मैं भूनूंगी। हमें प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है। आप प्याज को जितने अच्छे से भूनेंगे, जितने अच्छे से फ्राई करेंगे, तो आपके जो छोले का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसे थोड़ी सी प्याज मेरी भुन जाएगी तो मैंने यहाँ पर जो अदरक लिया हुआ था 1/2 इंच वो मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। आप ग्रेट करके डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। ये देखिए मेरा प्याज कितना अच्छे से भुन चुका है, हल्का सा लाइट ब्राउन सा हो चुका है। आपको इस स्टेज तक इसे भूनना है। इसी स्टेज में मैं यहाँ पर डाल दूँगी मसाले जो मैंने यहाँ पर रखे हुए थे। ये सारे मसालों को मैं कुछ सेकंड्स के लिए भूनूंगी। 11 गैस का फ्लेम मेरा लो है जिससे मसाले जले ना। कुछ सेकंड्स के लिए भूनूंगी। देखिए यहाँ पर से ऑयल निकलने लगा है मसालों में से। तो इसी स्टेज में मैं यहाँ पर डाल दूंगी थोड़ा सा पानी क्योंकि मुझे मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है। आप मसालों को जितने अच्छे से भूनेंगे तो छोले का टेस्ट उतना ही बहुत अच्छा आएगा आपका। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ और इसे भून रही हूँ। ये देखिए मसालों में से तेल एकदम से अच्छे से रिलीज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे से भून चुका था, तो मैंने इसे कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट तक के लिए मैंने इसे भूना था।
थोड़ा सा पानी डाल करके, तो ये बहुत अच्छे से भुन चुका था। तो मैंने इस स्टेज पे यहाँ पर डाल दिया टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर लिड लगा दिया है। मैंने बीच में चेक करके देखा था कि ये अच्छे से भुन गया है। आपको बीच में एक बार चेक करना पड़ेगा कि नीचे से लगे ना। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला भुन चुका है। आप देख सकते हैं सारा ऑयल जो है वो मसालों में से बाहर आ चुका है। आप मसालों को बहुत अच्छे से भूनेंगे तो छोलों का टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी आएगा। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। टमाटर वगैरह का जो पेस्ट था वो मसालों में अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो चुका है और सारा तेल आपका मसालों से बाहर आ गया है। ये देखिए इसी स्टेज में मैं यहाँ पर डाल दूँगी जो मैंने छोले बॉईल करे हुए थे वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। आपको पानी का यूज़ नहीं करना है, आप पानी यहाँ पर मत डालिएगा, क्योंकि हम मसालों को छोले के साथ अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे कि जितने भी मसाले हैं वो छोलों में अच्छे से रच जाएं, छोले अच्छे से फ्राई हो जाएं मसालों के साथ। तो मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं किया है और मैं इसे लिड लगा के 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से छोलों को मसाले के साथ भूनूंगी। ये देखिए 3 मिनट बाद देखिए मेरे छोले अच्छे से मसालों के साथ अच्छे से कोट हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो जब यहाँ इसमें से ऑयल अच्छे से और निकलने लग जाएगा सारे मसालों में से, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी पानी। जो मेरा पानी मैंने बॉईल किया था, जो पानी मेरा इसमें से बचा हुआ था वो मैंने यहाँ पर रख लिया था, तो मैंने वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसे मिक्स करूँगी अच्छे से। आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उतना पानी का यूज़ करें। तो ये देखिए मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए लिड लगा करके, पानी डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसको लगा के छोड़ दिया था सिम गैस पे। तो इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है, छोले एकदम रेडी हो चुके हैं, इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट आई हुई है। ये देखिए बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आई हुई है इसकी, और खाने में ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, एकदम जैसे आप मार्केट में खाते हैं पिंडी छोले खाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। आप इसे पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, भटूरों के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।